finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India leads by miles. Great shot. Oh, it's a biggie. A shot of an emperor. और मैच साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच खेला गया। ये मैच बारिश के चलते 40 ओवर को देखने को मिला। इस मैच में नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड की टीम ने 245 रन बना दिए। एक समय लग रहा था कि नीदरलैंड 200 रन भी नहीं कर पाएगी, लेकिन एडवर्ड के 78 रनों की पारी की बदौलत नीदरलैंड ने 245 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। उसके बाद लक्ष्य का पीछा करने जब साउथ अफ्रीका आई तो उनकी शुरुआत कुछ अच्छी ही रही, लेकिन डीकॉक के आउट होने के बाद जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। शुरू में अफ्रीका का स्कोर 36-0 था और देखते देखते अफ्रीका ने 44 रन पे 4 विकेट गवा दिए, जिसके बाद जरूर क्लासन और मिलर ने अफ्रीका की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन क्लासन भी आउट हो गए और अब दबाव पूरी तरीके से अफ्रीका पर था। हालांकि डेविड मिलर ने अपनी टीम को जिताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नीदरलैंड के गेंदबाज उन पर भारी पड़ गए। इस तरह नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। बता दें तो ये नीदरलैंड का इस वर्ल्ड कप में पहला जीत है। डेविड मिलर ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि हमारे इस हार से मैं काफी निराश हूं। हमने नहीं सोचा था कि नीदरलैंड से हम हार जाएंगे, लेकिन नीदरलैंड ने ये करके दिखा दिया। हमने नीदरलैंड को हल्के में ले लिया था और इसी का फायदा नीदरलैंड की टीम ने उठाया। नीदरलैंड ने हमको T20 वर्ल्ड कप में भी बाहर किया था और इस बार भी उन्होंने हमें ये हरा दिया है। और नीदरलैंड इस मैच में अपनी पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी थी। सच बताऊं तो हमने इस मैच में काफी खराब प्रदर्शन किया, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। आगे बात करते हुए मिलर ने कहा कि इस मैच में हमने शुरुआत तो काफी अच्छी की थी, हमारे गेंदबाजों ने भी गेंदबाजी की। एक समय 140 पर 7 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद में एडवर्ड ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। उसकी बल्लेबाजी से हम एक समय दबाव में आ गए थे। सच बताऊं तो हमारे गेंदबाजों ने काफी खराब प्रदर्शन किया, क्योंकि हमको नीदरलैंड को 200 रनों के अंदर ही रोक लेना चाहिए था। बाकी बल्लेबाजी में तो जरूर हमने शुरुआत अच्छी की, लेकिन डीकॉक के आउट होने के बाद हमारी पारी संभल नहीं पाई। और जब हम टॉप ऑर्डर्स में ऐसा प्रदर्शन करते हैं तो लक्ष्य को हासिल करने में प्रॉब्लम होती है। हमारी बल्लेबाजी काफी खराब रही और ये हार की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि इतने छोटे से भी ग्राउंड में हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए, वो हमारे लिए शर्मनाक है। कहीं ना कहीं नीदरलैंड की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। नीदरलैंड की टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी, उनके खिलाड़ी बीच बीच में कोई चीट्स भी निकाल के पड़ रहे थे, और इससे पता चलता है कि उनकी पूरी प्लानिंग क्या थी। अगर हमें यह वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें भारतीयों की तरह खेलना होगा और भारत की तरह अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा, तभी हमको भारत की तरह सफलता मिल पाएगी। आगे मिलर ये भी कहते हैं कि ये मैच हम हारे नहीं, बल्कि नीदरलैंड ने अपने दम पर जीता है। बाकी उम्मीद करता हूं कि हम अगले मैच में वापसी जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका किन किन वजहों से ये मैच हारी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।